आपको बता दें कि अंतिम सफर पर है गोगा मेडी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड पर न्यूज 18 राजस्थान से उनकी पत्नी बोली है। गोगा मेडी की पत्नी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाएं। शीला शेखावत की तरफ से कहा गया, एक शेर को गीदड़ों ने धोखे से मारा है, 72 घंटे के अंदर सुखदेव सिंह के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए, मुझे सर्व समाज से इंसाफ की उम्मीद है, आज मेरे परिवार का कोई नहीं है, शीला शेखावत की तरफ से कहा गया है। तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड पर परिवार की तरफ से बयान सामने आया, उनकी पत्नी की तरफ से ये बात कही गई है, क्योंकि माहौल इस वक्त गमगीन है और साफ तौर पर वो इंसाफ की मांग कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान से गोगा मेडी की पत्नी ने कहा है कि मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाएं। शीला शेखावत की तरफ से कहा गया, एक शेर को गीदड़ों ने धोखे से मारा है, ये शीला शेखावत की तरफ से कहा गया, 72 घंटे के अंदर सुखदेव सिंह के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। राजस्थान के ऊपर पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी की धर्मपत्नी शीला शेखावत। शीला जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के ऊपर तमाम सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो चाहने वाले जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपको क्या न्याय की उम्मीद है? न्याय तो देखो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना कि एक शेर को गीदड़ों ने मिलके मारा है, और मैं पूरी पूरी मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को पकड़ के ऐसा न्याय दें, ऐसा एनकाउंटर करें कि दुनिया याद रखे कि यहाँ किसी के घर में घुस के मारने का ये अंजाम होता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे छोटे छोटे बच्चे आज किस वजह से जिए, हम ये बताओ, हमारे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। आप जयपुर से नोहर भादरा तक निकल रहे हैं, लोगों का हुजूम है, उनके चाहने वालों का हुजूम है, जब आप ये देख रही हैं तो क्या कुछ आपको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पति ने नाम कमाया है, मेरे पति ने इज्जत कमाई है, ऐसी इज्जत ना तो किसी को मिली और ना ही मिलेगी। देखो कैसे लोग आस पास में आके उनकी शहादत को प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। उन्हें धोखे से मारा गया है घर में घुसकर, वो जो हत्यारे हैं, क्या सरकार से आप मांग करेंगे, क्या आप समाज को कहना चाहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से? 72 घंटे का हमें टाइम मिला है, अगर 72 घंटे में हो जाता है उनको पकड़ के एनकाउंटर हो जाता है तो ठीक है, वरना तो उग्र आंदोलन के लिए सरकार भी तैयार रही है और हम भी तैयार हैं, फिर उनको नहीं बख्शा जाएगा, ना तो मेरे द्वारा बख्शा जाएगा ना समाज के द्वारा बख्शा जाएगा। तो देखिए, ये थी हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जो धर्म पत्नी है, आंखें उनकी नम है, हर कोई जो यहाँ पर जो नम है उनकी, जो चाहने वालों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हर एक जो शख्स है जो उनसे प्रभावित था, जो उनसे मिला था, जो उनका चाहने वाला था, वो आज कहा जा सकता है कि उनकी जो आंखें हैं वो नम है। और आपने न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सुना कि उनकी जो धर्म पत्नी किस तरीके से समाज से सरकार से एक जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, और सरकार के आश्वासन के बाद में वो पूरी सहमति के ऊपर यहां पर बनी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आपने, क्योंकि परिवार वाले साफ तौर पर उनका ये कहना है कि 72 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर लाए, वरना अंजाम बुरा होगा। हमने आपने देखा कि किस तरीके से गोगा मेडी की जो पत्नी है वो इस वक्त कुछ भी कहने से उनके सामने कुछ भी शब्द नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार उजड़ गया है, वो साफ तौर पर कह रही है। रोशन संवाददाता हमारे साथ है। रोशन, देखिए अंतिम यात्रा जो है वो गोगा मेडी की इस वक्त निकाली जा रही है, उनके भारी समर्थक उनके यात्रा के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, क्या तस्वीरें हैं, लोग भी आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, जो अंतिम यात्रा है उसने गोविंदगढ़ क्रॉस कर लिया है और अब ये सीकर की ओर बढ़ रही है। लोगों में सुखदेव सिंह गोगा मेडी है, उनको अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में कहा जा सकता है कि एक वो दर्शन करना चाहते हैं, वो उत्सुकता है, वो उनकी लोगों की जो आंखों के अंदर जो गमहीन जो माहौल है और एक दर्द है वो जयपुर की सड़कों के ऊपर कल भी देखने को मिला, आज सुबह